अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, हत्याकांड का फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 8 माह पूर्व हत्याकांड के मामले में फरार आरोपी मनोज यादव को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरसी थाना का रहने वाला आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। बता दें कि आरोपी के पास से बरामद एक ऑटोमेटिक देसी पिस्टल, 6 गोली, TVS मोटरसाइकिल के साथ उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष मेराज हुसैन ने बताया कि हत्याकांड का फरार आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के सहयोग से काजी मिलेनिया बॉर्डर पर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। बता दें कि पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत काजी हृदय नगर पंचायत के नगराही ग्राम वार्ड नंबर 9 निवासी राम विशाल मंडल के 38 वर्षीय इकलौते पुत्र संजय मंडल को उनके ही मित्र ने मनोज यादव के साथ भोज खाने गए थे और फिर वह लौटकर नहीं आए। तब से उन्हें आरोपी बनाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और तब से ही वो फरार थे। बहरहाल, पुलिस ने इस गिरफ्तारी पर लोगों को संतोष है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही न्याय भी मिलेगा। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।